चलो, प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है. रीजन ये है सर, 4 से 6 मार्क्स का वेटेज रहता है इसका एग्जाम में. एक तो बड़े क्वेश्चन का पार्ट रहता है और उसके बाद अलग से भी प्लेस ऑफ सप्लाई से क्वेश्चन आते हैं. चलो, ये चैप्टर हम पढ़ते क्यों? रीजन ये सर, हमें ये पता करना है सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी क्या लगाना है सर, इसलिए हम प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर पढ़ते. और पढ़ते सर, देखो, लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज. प्लेस ऑफ सप्लाई में सप्लायर का लोकेशन क्या होगा? सबसे पहला सरकार ने बोला सर, द लोकेशन एट विच जहां पर सप्लायर ने रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया है. ठीक, अगर सर वो रजिस्ट्रेशन कहीं और ऑब्टेन किया है, बिजनेस कहीं और से कर रहे हैं, तो सरकार बोलती है लोकेशन ऑफ सच फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट, जहां उसका फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट होगा. अब अगर वो सर रजिस्टर कहीं और से किया है, सर वो फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट से भी बिजनेस नहीं कर रहा है, एक से ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट से बिजनेस कर रहा है, तो सरकार बोलती है जहां पर उसका मोस्टली कंसर्न रहेगा. ठीक है, मोस्टली कंसर्न मतलब जहां पर वो सबसे ज्यादा एक्टिविटी कर रहा है सर्विस से रिलेटेड, मतलब सबसे ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करने की एक्टिविटी वो जिस एस्टैब्लिशमेंट से करेगा, वो एस्टैब्लिशमेंट प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा. सीरियसली बता रहा हूँ, अभी जब मैं सीए पैनल की रिकॉर्डिंग कर रहा था तब मेरे को लगा इस चैप्टर का रिलेवेंस क्या है. बाप रे बाप, इंटर में तो ऐसा इतना रिलेवेंस नहीं है, सच में नहीं है, बहुत छोटा सा रिलेवेंस है इसका. फाइनल में तो बवाल मचा के रखा है चैप्टर, बाप रे बाप, क्योंकि फाइनल में इस पॉइंट पे भयानक लड़ाई हो जाती है और इस पॉइंट पे तो अति में मोस्ट एस्टैब्लिशमेंट कहां पर सबसे ज्यादा डायरेक्टली कंसर्न है, क्योंकि वो 4-5 जगह से सर्विस प्रोवाइड करता है, तो 4-5 जगह से करता है, तो कहां से मोस्टली कंसर्न है ये देखना पड़ता है. ठीक है, इन द एबसेंस ऑफ सच प्लेसेस, मान लो ऊपर तीनों टाइप से आपने बता नहीं पाया कि प्लेस क्या है, तो सरकार बोलती है फिर उसका यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस ले लेंगे सप्लायर का. तो इसको एग्जाम में याद रखना, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है ये. अभी प्लेस ऑफ सप्लाई इंटर के लिए बहुत नया चैप्टर है, बहुत ही नया चैप्टर है, तो अभी इससे कोई एकदम ज्यादा हार्ड एंड फास्ट या टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इजी क्वेश्चन पूछते हैं अभी. ठीक है, चाहे सीए वाले हो चाहे सीएमए वाले हो, इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछते अभी शुरू में. ठीक, आई बात समझ? तो हमें सबसे पहले सिंपल उसका रजिस्टर्ड प्लेस या फिर एस्टैब्लिशमेंट, मोस्टली कंसर्न ये भी ना मिले तो फिर यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ सप्लायर. ठीक है सर, गुड्स के केस में इन्होंने बताया नहीं, गुड्स के केस में इन्होंने बोला सर डिपेंड करेगा, हम चेक करेंगे गुड्स कहाँ से सप्लाई हो रहे हैं, गुड्स के केस में इन्होंने बताया नहीं है. लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज, मेरे हिसाब से सर अगर आप सप्लायर ऑफ सर्विसेज का समझ गए हो तो रिसिपिएंट का भी पढ़ने की जरूरत नहीं होती, ये सेम होता है. एग्जाम टाइम में ना टाइम सेव करना, जबरदस्ती कोई चीज को बार बार मत पढ़ना, इट से सर टाइम वेस्ट होता है एग्जाम वाले दिन. तो सर अगर सप्लायर का समझ गए तो रिसिपिएंट का एग्जैक्ट सेम मत पढ़ना दोबारा. प्लेस ऑफ बिजनेस, ये मुझे इंपॉर्टेंट लगता है. रीजन ये है सर, क्योंकि इसमें ना May 24 की RTP MTP में क्वेश्चन है इसका, और उसने चेक ये किया है कि एक स्टूडेंट को ये पता है कि नहीं सर, एनी अदर प्लेस वेयर अ टैक्सेबल पर्सन स्टोर इज गुड्स. क्योंकि देखो, आपको नॉर्मली प्लेस ऑफ बिजनेस में ये याद रहेगा सर, जहां से वो बिजनेस कर रहा है, गोडाउन वेयर हाउस, ये याद रहेगा. मान लो इसके अलावा कोई और ऐसी प्लेस है जहां पर वो स्टोर कर रहा होगा गुड्स, तो वो भी प्लेस ऑफ बिजनेस हो सकता है. ये बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में इस पॉइंट से पार्ट बन सकता है और क्वेश्चन बन सकता है, आपको कंफ्यूज कर सकता है. या तो फिर वो मेंटेन कर रहा है अपनी बुक्स जहां से, और या तो फिर वो अपने एजेंट के थ्रू सर जहां से बिजनेस कर रहा है. इन तीनों में से कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस हो सकता है. और लिखा हुआ है सर, एंड नहीं लिखा है, और लिखा है, तो तीनों में से कोई भी प्लेस हो सकती है. फिर फिक्स एस्टैब्लिशमेंट क्या होता है? सिंपल है सर, जहां पर सर ह्यूमन और टेक्निकल रिसोर्सेज अवेलेबल होना चाहिए सर. ह्यूमन एंड टेक्निकल रिसोर्सेज वर्ड का मतलब सिंपल सी बात है सर, ऐसा नहीं कि वहां पर लोग चाहिए हमें, लोग नहीं सर, इतनी फैसिलिटी होना चाहिए कि वहां से सर्विसेज दे सके आप. तो अगर वहां पर इतनी फैसिलिटी है, चाहे ह्यूमन के फॉर्म में हो चाहे टेक्निकल फॉर्म में हो, अगर इतनी फैसिलिटी है तो उस फैसिलिटी वाले एरिया को भी फिक्स एस्टैब्लिशमेंट बोला जाएगा. और ये मान लिया जानना इसलिए भी जरूरी होता है सर, क्योंकि सेकंड पॉइंट हमारा यही होता है सर, जब हम लोकेशन निकालते हैं तो सेकंड पॉइंट हमारा फिक्स एस्टैब्लिशमेंट होता है. ठीक है, ध्यान रखना. उसके बाद यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस, ये ना भी पढ़ो तो ये इतना कुछ रिलेवेंट मेरे को इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता. एड्रेस ऑफ डिलीवरी, ये एक बार रीड कर सकते हो जो इनवॉइस में लिखा रहता है. एड्रेस ऑन रिकॉर्ड, ये सब आप एक बार रीड कर सकते हो. इसके बाद बात होती है सर इंटर स्टेट सप्लाईज की. जब बात इंटर स्टेट हो तो हम किसी भी चीज को इंटर स्टेट तब कंसीडर करते हैं सर, जब लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दो अलग अलग स्टेट में है, दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी में, एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में, तभी उसे सर इंटर माना जाएगा सर.
ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना सर। इंटर में जो है वो सेक्शन 7 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट अप्लाई हो जाता है, बट बात ये है सर, सेक्शन 7 अप्लाई करने से पहले सेक्शन 10 की कहानियां होती है सर। पहले हमें सेक्शन 10 समझना होता है, उसके बाद सेक्शन 7(1) में हम जाते हैं सर। ठीक है, अगर आप कोई गुड्स इंपोर्ट करते हो तो उसको सर इंटर ही माना जाता है। ठीक है, इसको इसलिए ध्यान रखना क्योंकि इंपोर्ट ऑफ सर्विस हम पढ़ते हैं शेड्यूल 1 में, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस के सेंस में कनेक्ट करके पूछ सकता है आपसे, टैक्सेबिलिटी चेक कर सकता है, आईजीएसटी सीजीएसटी क्या लगाओगे। ठीक, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स, इन्होंने सप्लायर ऑफ गुड्स लोकेशन बताया ही नहीं, इन्होंने बोला सर वो चेक करेंगे कि वो गुड्स कहां से सप्लाई कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिकली डिफाइंड नहीं है सर गुड्स के केस में। ठीक है, सर्विसेज के केस में भी इन्होंने बोला सर लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लायर, अगर दो अलग अलग स्टेट में, अगर एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में, और या फिर सर क्या बोलते हैं दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी में, तो सरकार बोली उसे हम इंटर मानते हैं सर। ठीक है, और इसमें सेक्शन 12 की बातें हैं सर। ठीक है, याद रखना ऊपर 10 था नीचे 12 है सर, ध्यान रखेंगे। इंपोर्ट ऑफ सर्विस को भी हम इंटर मान लेते हैं सर, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। उसके बाद सर सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर सप्लायर लोकेटेड इन इंडिया एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है तो उसे क्या मानेंगे हम, इंटर स्टेट। ये वाला याद रखना, ये वाला अच्छा पॉइंट है। ठीक है, इस पे कंफ्यूज हो सकते हो सर, एससीजेड को सप्लाई करना है या एससीजेड से सप्लाई लेना, दोनों इंटर माना जाता है, दोनों इंटर माना जाता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। वैसे तो एग्जाम में आने के चांसेस कम लगते हैं मुझे, क्योंकि एससीजेड को सप्लाई करते हो तो वो एक्सपोर्ट माना जाता है, जीरो रेटेड माना जाता है, एग्जेम्प्ट होता है, बट स्टिल इसलिए बता दिया क्योंकि आप एग्जाम में अगर आ गया तो छोड़ थोड़ी दोगे। ठीक है, फिर सरकार ने बोला ऐसा कोई भी चीज जो इंटरा स्टेट नहीं है वो सब क्या मानी जाएगी, इंटर स्टेट मानी जाएगी सर। ठीक है, इसके बाद हम और आगे बढ़े थे और इसके बाद हम इंटरस्टेट समझे थे सर। इंटरस्टेट क्या होता है, वेरी वेरी सिंपल सर, जहां पर सर लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लायर दोनों सेम स्टेट में होना चाहिए, अगर दोनों सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी में है तो फिर उसे सर क्या मानेंगे, इंट्रा मानेंगे। ठीक है, इसीलिए प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें भी पहले सेक्शन 10 फिर सेक्शन 8 पढ़ते हैं। ठीक, फिर इन्होंने बोला सर इंटरस्टेट के कुछ एक्सेप्शन है, जो इंटरस्टेट में नहीं आते वो एससीजेड वाला नहीं आएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद सप्लाईज मेड टू अ टूरिस्ट सेक्शन 15 वाला, ये भी आप लोग में फाइनल में आता है ज्यादातर ये टूरिस्ट वाला। ठीक है, विथ रेफरेंस टू सर्विसेस, बात वही आके अटकती है, लोकेशन ऑफ द सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लायर, बहुत अच्छे से देखना है इसको, इसके क्वेश्चन इंस्टीट्यूट अच्छे अच्छे पूछना स्टार्ट कर दिए। सर्विसेज की बात है तो सेक्शन 12 कवर होगा और सेक्शन 12 के बाद फिर अपन 8(2) पढ़ेंगे सर। ठीक, इसके बाद ये सेक्शन 10 की कहानी, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। ठीक है, अदर देन गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में ये अप्लाई नहीं होता, नॉलेज के लिए बता देता हूँ, आपके लिए तो काम का भी नहीं है। सेक्शन 13 होता है, हम सेक्शन 13 पढ़ते हैं वो अप्लाई होता है, और सेक्शन 13 स्पेसिफिकली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए बना है, वो फाइनल के लिए आप लोगों पे एप्लीकेबल नहीं होता। तो सेक्शन 10 ये बोलता है सर, इसमें सबसे पहला वाला पॉइंट अच्छे से याद रखना, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम में कहां कहां से मैंने अभी तक आरटीपी एमटीपी में जब से नया चैप्टर एड हुआ तब से क्वेश्चन देखे, एक ये मूवमेंट ऑफ गुड्स का क्वेश्चन देखा सर, वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स वेदर बाय द सप्लायर और बाय द रिसिपिएंट और एनी अदर पर्सन, अगर गुड्स का मूवमेंट हो सकता है तो सरकार बोलती उस केस में लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम वेयर द मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट, टर्मिनेट मतलब जहां पर वो गुड्स को छोड़ा जा रहा है सर, वो हम मानेंगे सर प्लेस ऑफ सप्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। आपको एग्जाम में पहचानना पड़ेगा कि गुड्स का मूवमेंट हो सकता है कि नहीं, आपको लैंग्वेज से समझना पड़ेगा कि गुड्स का मूवमेंट हो सकता है कि नहीं, वो सामने से नहीं बोलेंगे कि गुड्स का मूवमेंट हो सकता है कि नहीं, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर गुड्स का मूवमेंट हो सकता है तो जहां पर गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है, वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा सर। ठीक है, अगला ये याद है बिल्ड टू शिप टू मॉडल, ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया था सर, बिल्ड टू शिप टू मॉडल अगर याद होगा तो सर। सर ये बहुत सिंपल होता है बट इसमें ना थोड़ा सा ध्यान रखना, देखो एक बार याद दिलाता हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन भी आ सकता है और May 24 के एग्जाम के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, मतलब कुछ भी कर सकती इंस्टीट्यूट। सर बिल्ड टू शिप टू मॉडल ये था जहां पर एक्स वाई को बोलता है कि भाई तू गुड्स जेड को डिलीवर कर दे, तू मेरे पास डिलीवर मत कर, तू डायरेक्टली किसको डिलीवर कर दे, जेड को डिलीवर कर दे। तो सर
यहां पर जो बिल टू शिप टू मॉडल वाला ट्रांजेक्शन है वो किसके किसके बीच में होता है, एक्स और वाई की, एक्स और जेड, एक्स और वाई के बीच में बिल टू शिप टू मॉडल होता है सर, ठीक है। और लोकेशन ऑफ द थर्ड पर्सन, जो थर्ड पर्सन लोकेशन मतलब एक्स का जो लोकेशन होगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। ये तो सभी करके आओगे, पर ये भूलना मत सर एक्स और जेड के बीच में भी ट्रांजेक्शन होता है, और एक्स और जेड के बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है वो 10(1)A में कवर हो जाता है सर, ये मत भूल जाना सालो। ये तो सभी करके आओगे, ये याद रहेगा आपको बिल टू शिफ्ट मॉडल, ये भूल जाओगे सर। इसमें दो सप्लाई है, एक नहीं है, आप गलती कर सकते हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ गलती ही करके आओगे, बट ये गलती होती है बिल टू शिफ्ट मॉडल में, याद ही नहीं आएगा। फिर आप बोलोगे सर मार्क्स कहाँ कट गया, इसीलिए मार्क्स कट गया, अगर आपने सिर्फ ये वाले ट्रांजेक्शन का जिक्र किया एक्स और वाई का, तो सर वो फिर एक्स और जेड का क्या होगा, क्योंकि सर आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा ना एक्स और वाई हो सकता है अलग अलग स्टेट में हो, पर एक्स और जेड हो सकता है सेम स्टेट में हो। तो यहां पर हो सकता है सर आईजीएसटी भी आ जाए, और यहां पर आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी भी आ जाए, थोड़ा सा ध्यान रखना। मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट May 24 के तो पेपर में पूछ दिए इंस्टीट्यूट इसको, अगर May 24 के पेपर में पूछ दिए मतलब बात ही खत्म, फिर तो पढ़ना ही है सर, उसको छोड़ना ही नहीं है, मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है, आप जरूर इसको देख के जाएंगे सर, ठीक है। ये इजी है, वेयर द सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ द गुड्स, अगर गुड्स का मूवमेंट नहीं हो सकता तो उस केस में सर वो गुड्स जो है रिसिपिएंट को कहां पर अवेलेबल करवाया जा रहा है वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। फिर ये वाला अमेंडमेंट है इसलिए याद रखना, वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स इज मेड टू अ पर्सन अदर देन अ रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, अदर देन अ रजिस्टर्ड पर्सन द प्लेस ऑफ सप्लाई नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन कॉन्ट्ररी कंटेन इन क्लॉज ए और सी, ए और सी एप्लीकेबल नहीं हुआ तो उस केस में सामने वाला अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो सरकार बोलती है भैया क्या तुम्हारे पास उसका एड्रेस है, मैं बोला हाँ मेरे पास एड्रेस है, सरकार बोली जो एड्रेस है वही प्लेस ऑफ सप्लाई है, मैं बोला एड्रेस ही नहीं है मेरे पास, तो सरकार बोली उस केस में लोकेशन ऑफ द सप्लायर को ही हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे, ठीक है। ये अमेंडमेंट है इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, नया है आने के एग्जाम में चांसेस है। ये वाला पॉइंट तो इंस्टीट्यूट का पसंदीदा है सर, दोनों बार आरटीपी एमटीपी में आ चुका है, एग्जाम में नहीं आया है, आरटीपी एमटीपी में आ गया, आज नहीं तो कल इंस्टीट्यूट इसको पूछेगी जरूर सर, बिल्कुल पूछेगी सर, क्योंकि ये बहुत प्यारा पॉइंट है। वेयर द गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट अ साइट, सर अगर कोई गुड्स कहीं पर असेंबल किया जा रहा है या इंस्टॉल किया जा रहा है तो सरकार बोलती है उस केस में वो गुड्स जहां भी असेंबल किया जा रहा है जहां भी इंस्टॉल हो रहा है वो प्लेस ऑफ सप्लाई है। घंटा फर्क पड़ता है रिसिपिएंट कहां का है, रिसिपिएंट दुबई का, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सर, गुड्स का इंस्टॉल हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी सीए वाले का एक क्वेश्चन करा रहा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि एक कंपनी दिल्ली की है वो यूके की कंपनी से कॉन्टेक्ट करी है और एसी इंस्टॉल मुंबई में हो रहा है, मैं बोला हे भगवान और कोई देश का कोना है तो ले जा भाई पूरा तो तू घुमा दिया। अगर कोई स्टूडेंट उसको ढंग से नहीं पढ़ेगा तो वो उसको इम्पोर्ट मान लेगा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मान लेगा, नहीं सर गुड्स असेंबल कहाँ हो रहा है, मुंबई में, दिल्ली मुंबई की बात है सर, ये तो इंडिया के अंदर की बात है, और इंडिया के अंदर की बात है मतलब 10(1)D अप्लाई हो जाएगा, मतलब आप लोग के लिए चलो ठीक है सेक्शन 13 आता ही नहीं पिक्चर में, बट ठीक है पता तो होना चाहिए इंस्टॉल कहाँ हो रहा है, ठीक। अगला देखो, वेयर द गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड और कन्वीनियंस, ये इसका भी क्वेश्चन आने के अच्छे चांसेस है, ये सब बहुत ईजी पॉइंट है पर मस्त है सर। सर अगर आप कहीं पर फ्लाइट में या वेसल में या बोर्ड में कहीं घूमने उमने जा रहे हो तो सरकार बोलती है सर अगर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है तो बहुत ध्यान रखना, क्योंकि कनेक्टिंग फ्लाइट का अगर क्वेश्चन आया तो वो सर्विस भी है और साले लोग ये भी बोल देंगे कि वो फ्लाइट में खाना भी दिया, तो इम्पोर्टेंट ये सर कहाँ पर गुड्स चढ़ा, इम्पोर्टेंट ये नहीं आपको खाने कहाँ दिया गया, गुड्स कहाँ चढ़ा दैट इज इम्पोर्टेंट, जहां गुड्स चढ़ा वो प्लेस ऑफ सप्लाई, हो सकता है खाना आपको नेक्स्ट स्टॉप में दिया जाए, ध्यान रहेगा इसको ध्यान रखना। अच्छे पॉइंट्स हैं, इनसे मैंने क्वेश्चंस देखे हैं सर, ये नहीं आएगा, ये आप लोग को आएगा ही नहीं, ठीक। उसके बाद सर प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज, ये तो बवाल मचा के रखा है सर्विसेज वाला, सर्विसेज वाले में तो सर क्वेश्चन भी आया अभी के एमटीपी में, एमटीपी और आरटीपी में क्वेश्चन भी है इसका सर्विसेज का, तो देखना तो है सर, सर्विसेज छोड़ना मत। इसको पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कि सर ये जो जनरल प्रोविजन है ये लास्ट में पढ़ना चाहिए, क्योंकि सर जब कुछ अप्लाई नहीं होता तो जनरल अप्लाई होता है, जब कुछ अप्लाई नहीं होगा तो जनरल अप्लाई होगा, नहीं तो फिर क्या बोलते हैं नॉर्मल, बाकी जो स्पेसिफिक प्रोविजन है वो पहले अप्लाई होते हैं।
सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू इमोरल प्रॉपर्टी, अगर इमोरल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज है तो मेरे को ऐसा लगता है इसमें बहुत सारी चीजें दी हुई है कि इमोरल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आर्किटेक्ट हो सकता है, इंटीरियर डेकोरेटर सर्वेयर इंजीनियर, बहुत सारी चीजें दी हुई है, आप इनको पढ़ना। बाय वे ऑफ लॉजिंग अकोमोडेशन होटल इन गेस्ट हाउस होम साइट कैंप क्लब कैंप साइट सब है, बहुत सारी चीजें दी हुई है, मैरिज रिसेप्शन कल्चरल सोशल रिलीजियस सब फंक्शन दिए हुए हैं। एनी सर्विसेज एंसिलरी टू द सर्विसेज रिफर्ड, इन सब सर्विसेज के लिए कोई और अगर एंसिलरी सर्विसेज भी होगी तो वो भी इसमें कवर्ड है। पर आप क्या ध्यान रखना एग्जाम में पता है कि अगर इमोरल प्रॉपर्टी से दिखाना रिलेटेड तो आंख बंद करके सीधा सीधा सिंपल ये बोलना सर जहां पर वो इमोरल प्रॉपर्टी है और या तो फिर जहां पर वो इमोरल प्रॉपर्टी इंटेंडेड टू बी लोकेटेड है। इंटेंडेड टू बी लोकेटेड मतलब सर अभी नहीं है, फ्यूचर में वहां पर इमोरल प्रॉपर्टी होगी सर, वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, ये आप ध्यान रखना सर। इफ द लोकेशन ऑफ द इमोरल प्रॉपर्टी और अ बोट और वेसल इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, अगर आउटसाइड इंडिया है तो लोकेशन ऑफ द रेसिपियंट, रेसिपियंट के लोकेशन को ही मान लिया जाएगा सर प्लेस ऑफ सप्लाई। सर अगर एक से ज्यादा स्टेट में घूम गई कहानी तो सरकार बोलती है अगर एक से ज्यादा स्टेट में घूम गई तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा वैल्यू को, क्योंकि सर अलग अलग स्टेट है तो उस बेसिस में अपन प्रोपोर्शनेट करेंगे किस स्टेट में कितनी वैल्यू की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। इसके बाद रेस्टोरेंट कैटरिंग या पर्सनल ग्रूमिंग फिटनेस ब्यूटी हेल्थ केयर सर्विसेज, ये तो सर सरकार ने सिंपल बोला वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, ऑब्वियस सी बात है सर हेल्थ केयर फिटनेस वगैरह की तो जहां सर्विसेज दी जाएगी वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। ये वाला अच्छे से पढ़ो इंपॉर्टेंट है, पिछली बार की May 24 की RTP MTP में इसका क्वेश्चन है, सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रेनिंग और अप्रेजल सर्विसेज, अगर ट्रेनिंग और अप्रेजल सर्विसेज है रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड की जा रही है तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, और अगर सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है तो उस केस में सर सर्विसेज कहां एक्चुअली परफॉर्म की जा रही है वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई है, इसको ध्यान रखना। ट्रेनिंग और अप्रेजल सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों में कई जगह ट्रेनिंग सर्विसेज दी जाती है सर, तो चेक करना सामने कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं सर, ठीक है। इसके बाद देखो सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन, अच्छा दो वर्ड अलग अलग है जिसमें ना स्टूडेंट पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहा है, ये 12-6, 12-7 में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, सर ये एडमिशन है और ये ऑर्गेनाइजेशन है। एडमिशन मतलब सर कोई इवेंट हो रहा है मैं उसमें घुस रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन मतलब मैं ही कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, दोनों में अंतर होता है वर्ड्स में। तो अगर एडमिशन हो रहा है सर इवेंट वगैरह में, चाहे वो कल्चरल हो आर्टिस्टिक हो स्पोर्टिंग हो साइंटिफिक एजुकेशनल एंटरटेनमेंट कोई भी इवेंट हो, तो सरकार बोलती है जहां पर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड या फिर सर जहां पर वो इवेंट होने वाला है सर, चाहे वो पार्क हो चाहे वो कहीं पर भी हो सकता है सर, जहां इवेंट होगा वो मान लिया जाएगा सर प्लेस ऑफ सप्लाई। पर ये कहानी तब है सर जब मैं इवेंट में एंटर कर रहा हूं, और अगर मैं ही इवेंट करवा रहा हूं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चरल आर्टिस्टिक स्पोर्टिंग साइंटिफिक कोई भी इवेंट करवा रहा हूं और या तो उससे रिलेटेड एंसिलरी सर्विसेज भी दे रहा हूं, तो सरकार बोलती है ये भी याद रखना असाइनिंग ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू सच इवेंट, ठीक है, क्योंकि गरबा नवरात्रि भूलना मत सर, ठीक है। तो टू अ रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, अगर सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है तो सरकार बोलती चेक करो इवेंट कहाँ हो रहा है, मैं बोला इवेंट तो इंडिया में, तो सरकार बोली जहां इवेंट हो रहा है वही प्लेस ऑफ सप्लाई है, और अगर इवेंट आउटसाइड इंडिया है तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। थोड़ा ध्यान से पढ़ना अच्छे से पढ़ना इनको, इनको ना इनके प्रोविजन अच्छे से याद रखना, अगर आप इनके प्रोविजन अच्छे से याद नहीं रखोगे ना तो क्वेश्चन बनाने में बहुत दिक्कत होती है, और मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरीके से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ रही है मेरे को तो लग रहा है इसको मिला मिला के पूछेगी प्लेस ऑफ सप्लाई, तो अच्छे से पढ़ना इसको। 12-8 सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग बाय मेल और कोरियर, ये बड़ा सिंपल है, ये मतलब मेरे को नहीं लगता ये कुछ रॉकेट साइंस या टफ है, अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, और अगर सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है तो सरकार बोली अबे तू जहां हैंड ओवर करेगा गुड्स वही तेरा प्लेस ऑफ सप्लाई है, ठीक है। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, अगर अगर सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है तो, सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर जहां से वो एम्बार्क कर रहे जर्नी के लिए, एम्बार्क मतलब स्टार्ट कर रहे, अब यहीं पर दिक्कत होती है,
साला आपको क्वेश्चन में क्या करेगा, एक आदमी है जो फ्लाइट से मुंबई से निकला, मुंबई से दिल्ली जा रहा है, दिल्ली से बैंकॉक जा रहा है, तो बैठा वो मुंबई से, खाना उसको मिला दिल्ली में, तो कहानी अलग अलग होती है। खाने की कहानी दिल्ली से कहलाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली होता है, पर सर जब बात बैठने की होगी तो मुंबई से होगी, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए। क्योंकि सर एक चीज बता रहा हूं, आप मेरे को समझो मेरी बात को, सर अगर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई ही गलत है तो फिर सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी गलत है, वो गलत है तो पूरा क्वेश्चन ही गलत है, बचा क्या निकालने के लिए आपके लिए, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, मार्क्स क्या देगा वो आपको, मार्क्स ही नहीं देगा फिर वो आपको, वो बोलेगा कंसेप्ट ही सही नहीं है। अगला देखो, वेदर राइट टू पैसेज इज गिवन फॉर द फ्यूचर यूज एंड द पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ राइट ऑफ पैसेज। सर अभी नहीं, हमने सामने वाले को टिकट दी और सामने वाले को बोला भाई तू अभी नहीं, फ्यूचर में इस टिकट का यूज करके कहीं से भी बैठ के जा सकता है। सरकार बोली उस केस में आपने किसको दिया है, मैं बोला रजिस्टर्ड पर्सन को, सरकार बोली लोकेशन ऑफ सच पर्सन। अगर सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है तो सरकार बोलती क्या उसका एड्रेस है तेरे पास, मैं बोला हाँ, तो सरकार बोली लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, जो तेरे पास एड्रेस होगा, मैं बोला अगर एड्रेस नहीं है तो, सरकार बोली फिर अपन सप्लायर को पकड़ते हैं, लोकेशन ऑफ द सप्लायर पकड़ते हैं। सर इसमें कुछ बातें याद रखना, सर याद है ना, जाने वाली जर्नी और आने वाली जर्नी दोनों को अलग अलग काउंट करते हैं, एक मत करना दोनों को, बवाल हो जाएगा सर, ठीक है। रिटर्न जर्नी को अलग काउंट करना, कंटिन्यूअस जर्नी क्या होती है याद रखना, स्टॉप ओवर क्या होता है याद रखना, कंटिन्यूअस जर्नी जो लगातार चलती है सर, सेम टाइम पे एक की टिकट हो या एक से ज्यादा भी टिकट हो बट सेम टाइम पे इशू होनी चाहिए सर, ठीक है, तो कंटिन्यूअस जर्नी है। स्टॉप ओवर वो होता है सर जहां पर आप रुक जाते हो, हट जाते हो, जर्नी स्टॉप होती है, रुकते हो, उसके बाद दूसरी जर्नी या दूसरी जगह कुछ जाते हो, तो वो स्टॉप ओवर होता है, ठीक है, वो तुरंत स्टार्ट नहीं होता। क्वेश्चन में इस एग्जाम में इसके भी क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको समझ आना चाहिए कि वो कंटिन्यूअस जर्नी है कि स्टॉप ओवर है, ठीक है। अगला, सर्विसेज ऑन बोर्ड, ये पता है सर, सर्विसेज ऑन बोर्ड आपको मूवी वगैरह की फैसिलिटी दी है, एयरक्राफ्ट ट्रेन वगैरह मोटर व्हीकल में, तो सरकार बोलती क्या होगा सर, जहां पे फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर है ऑफ दैट कन्वीनियंस। अगर आप देखो तो फूड के केस में भी तो यही था, खाने के केस में भी तो यही था सर, कि जहां से खाना चढ़ा आपको, हो सकता है खाना अगले स्टेशन में मिले बट खाना कहाँ से चढ़ रहा है। सर्विसेज में भी तो वही है सर, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। फिर टेलीकम्युनिकेशन लाइन, इसका तो ऐसा है कि अपन क्वेश्चन किए, बहुत बड़े क्वेश्चन होते हैं इसके, कि वो लाइन एक से ज्यादा स्टेट में है, फिर कितने सब्सक्राइबर है, उस बेसिस में इसको बांटना होता है सर। तो आप ये देखना सर कहाँ पर लोकेशन है लाइन की, और लाइन अगर एक से ज्यादा स्टेट में है तो, अगर एक से ज्यादा स्टेट में तो फिर हम सब्सक्राइबर के बेसिस में बांटते हैं कि भाई छत्तीसगढ़ में कितने सब्सक्राइबर, मुंबई में कितने, दिल्ली में कितने, उस बेसिस में अपन इसको बांटते हैं सर, ठीक है, इसको थोड़ा याद रखना। पोस्ट पेड में तो बहुत ईजी है, पोस्ट पेड में कभी कोई बच्चा कंफ्यूज ही नहीं हो सकता, क्योंकि पोस्ट पेड में बिल बनता है और बिल में एड्रेस होता है, वो तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऐसे ही पता चल जाएगा। प्रीपेड में लड़ाई होती है सर, पोस्टपेड में काहे की लड़ाई, प्रीपेड में लड़ाई होती है, पोस्टपेड में कभी लड़ाई नहीं होगी। पोस्टपेड में प्रीपेड में आपको ये समझना पड़ेगा कि सर ये तीन कैटेगरी में से कौन सा है, वो ये आपको देखना पड़ेगा सर। आप किसी एजेंट वगैरह के थ्रू ले रहे हो सिम, ये चेक करना पड़ेगा सर। तो फिर एड्रेस इज द सेलिंग एजेंट और द रीसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर एज पर द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर एट द टाइम ऑफ द सप्लाई, जो एजेंट के पास एड्रेस होगा। टू एनी पर्सन टू द फाइनल सब्सक्राइबर देन लोकेशन वेयर द प्री पेमेंट इज रिसीव्ड, वाउचर वगैरह के थ्रू यूज हो रहा है तो। इफ द पेमेंट प्रीपेड सर्विसेज इज थ्रू इंटरनेट, तो सरकार बोलती इंटरनेट के केस में क्या होगा, जो आपका एड्रेस सप्लायर के पास होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, ठीक है। इसके अलावा इन एनी अदर केस भी दिया है, चाहो तो आप इसको रीड कर सकते हो, इन एनी अदर केस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, इसमें तो आपका एड्रेस ऑटोमेटिक होगा सर, कैसे नहीं होगा, कौन से बैंक में आप एड्रेस नहीं देते हो, सब देते हैं, आधार कार्ड में भी दिया हूं। तो सर सरकार बोलती है लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द सर्विस ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज, आपका एड्रेस तो होगा ही सर, सरकार बोलती है लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस कहां पर उसका लोकेशन है सर। इफ द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट इज नॉट ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर, अगर नहीं है तो फिर सप्लायर का लोकेशन दिया जाएगा सर। बाकी इंश्योरेंस वगैरह का आप देखो तो ये सिंपल वही कहानी चलती है सर, इंश्योरेंस में अगर टू अ रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, सामने वाला अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर उस केस में क्या होगा सर,
लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस. जो आपका लोकेशन होगा सप्लायर के पास वो प्लेस ले लिया जाएगा. अगला है एडवर्टाइजिंग सर्विसेस. ये भी इसका ना जो अपन बड़ा क्वेश्चन किए ना वो जरूर देख के जाना कि एडवर्टाइजिंग सर्विसेज का क्या होगा सर, क्योंकि एडवर्टाइजिंग सर्विसेज भी एक से ज्यादा स्टेट्स में जाती है. तो अगर एक से ज्यादा स्टेट में जाती है तो उसको कैसे बाइफरकेट करते हैं, कैसे अलग अलग स्टेट में प्रोपोर्शनेट करते हैं, इसका क्वेश्चन देख के जाना. देख के जाओगे तो वहां जाके बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ये मुश्किल होगा सर. इसमें ये वाला पॉइंट याद रखो क्योंकि अभी ये नया नया आया है क्लैरिफिकेशन, तो ये दोनों क्लैरिफिकेशन नए हैं तो याद रखना चाहिए. ठीक है, देखो प्लेस ऑफ सप्लायर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ स्पेस ऑन अ होर्डिंग स्ट्रक्चर फॉर एडवर्टाइजमेंट और द ग्रांट ऑफ राइट टू यूज द होर्डिंग स्ट्रक्चर फॉर एडवर्टाइजमेंट इन दैट केस वेयर द लोकेशन वेयर द सच होर्डिंग और स्ट्रक्चर इज लोकेटेड. जहां पर वो होर्डिंग बोर्डिंग हो, याद है ना मैंने आपको बताया था कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी एडवर्टाइजमेंट करता है तो जहां पर वो बोर्डिंग होर्डिंग होती है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होता है. हो सकता है बोर्डिंग होर्डिंग कोई दूसरे स्टेट में भी हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरा स्टेट भी हो जाएगा सर. Services provided by the vendor to the advertising company are purely in the nature of advertising services, in respect of which the place of supply shall be determined as per 12.2. Or 12.2 क्या है? General provision. 12.2 general provision है. और general provision क्या बोलता है sir? जनरल प्रोविजन बोलता है सर अगर आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, और अगर सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या आपके पास उसका एड्रेस है, तो जो आपके पास उसका एड्रेस है वो प्लेस ऑफ सप्लाई है. और इन एनी अदर केस मान लो उसका एड्रेस भी नहीं है आपके पास तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज. आई बात समझ? मैं हमेशा बोलता हूँ प्लेस ऑफ सप्लाई जब आप घर में बैठ के पढ़ो तो इसको ना अपन जो रेगुलर क्लासेस में एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन के साथ पढ़ते ना वैसे पढ़ना, क्योंकि प्योरली थ्योरी रीड करके इसको याद आना आपको थोड़ा मुश्किल है. पहली बार तो आप जब पढ़ो, पहली बार जब आप पढ़ो तो इसको क्वेश्चंस के साथ पढ़ना. दूसरी बार तो आप सिर्फ प्रोविजन भी पढ़ोगे तो आपके पिक्चराइजेशन हो जाएगी, बट वो दूसरी बार में होती है. पहली बार में पिक्चराइजेशन होना थोड़ा मुश्किल होता है. ठीक है, आई बात समझ? चलो प्लेस ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन देख लेते हैं अपन. जनवरी वाले अच्छे से पढ़ो, दिसंबर वाले अच्छे से पढ़ो, सीए वाले और सीएमए वाले. रीजन ये है सर, बहुत अमेंडमेंट है, बहुत अमेंडमेंट है मे के लिए. ऑलमोस्ट आप समझ लो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको नई क्लास लेना पड़ जाएगा डीटी की. डीटी में बहुत चेंजेस है सर, आईडीटी अभी इतने चेंजेस नहीं है, डीटी में तो बहुत गजब चेंजेस है. तो रिक्वेस्ट है अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, कैसे भी इसको एग्जाम कर लो, नहीं तो बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत है सर. कैपिटल गेन पूरा बदल गया है, आईओएस बदल गया है, सैलरी में चेंजेस आए हैं, रेंट री अकोमोडेशन में चेंजेस आएगा, बहुत चेंजेस आएंगे. तो रिक्वेस्ट है मेरी अच्छे से पढ़ के निपटा लो, खत्म कर लो, निकल जाओगे टेंशन फ्री हो जाओगे टैक्स, नहीं तो फिर टैक्स बाद में बहुत भारी पड़ेगा, परेशान करेगा आपको. यार क्वेश्चंस का है लास्ट में क्या सीधा? सीधा चलो क्वेश्चंस देखते हैं, टेस्ट योर नॉलेज में ही है. चलो आप देखते रहो प्रोविजंस, प्रोविजंस आपके पास है, बताएंगे आप लोग सर. मैं बताऊंगा तो मजा नहीं आएगा, मुझे तो याद है बट आप लोग बताओगे तो अच्छा रहेगा. देखो In case of domestic supply, what is the place of supply where the goods are removed? अगर goods move हो सकते हैं तो उस केस में place of supply क्या होता है? जहां पर हम goods को उसकी delivery terminate करते, मतलब जहां goods deliver कर देते. What will be the place of supply if the goods are delivered by the supplier to another person on the direction of third person? याद है bill to ship to model? तो क्या बोले थे अपन ने? लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन ही हमारा क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई. अगला बताओ, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर द गुड्स और सर्विसेज आर सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वीनियंस सच एज वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन और मोटर व्हीकल. बताओ भाई, जहां से गुड्स चढ़ा है वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई. हो सकता है गुड्स आपको अगले स्टेशन में मिले. अगला, द प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू इमोबाइल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया इज द लोकेशन ऑफ इमोबाइल प्रॉपर्टी.
Suppose a road is constructed from Delhi to Mumbai covering multiple state. What will be the place of construction services? अगर multiple states की बात हुई तो फिर क्या करेंगे? Proportionate करेंगे सर. पहले से कैसे बताएं? आप बताओ सर, दिल्ली में कितनी रोड बन रही है और मुंबई में कितनी रोड गई है, वो लेंथ के बेसिस में हम proportionate कर देंगे सर. What will be the place of supply of services provided by an event management company for organizing a sporting event for a sport federation which is held in multiple states? Organizing it. Entry नहीं है तो क्या होता है place of supply? सर जहां पर इवेंट एक्चुअली हुआ है, held हुआ है, यहाँ तो मल्टीपल स्टेट्स की बात है तो अपन क्या करेंगे? प्रपोर्शनेट. क्वेश्चन में बताएगा वो आपको. What is the place of supply of services by way of transportation of goods including mail courier when both the supplier and recipient of the services are located in India? बताओ mail और courier के केस में बताओ क्या दिया हुआ? Mail और courier के केस में sorry आगे पीछे तो कुछ बताओ. कैसे कर रहे हो सबके सब? अजीब नालायक हो, प्रजाति हो नालायक की, सब नालायक हो. कहाँ गया यार मेल कुरियर? अभी तो पढ़ाया था. हाँ चले गया मेल और कोरियर. मेल और कोरियर की सर्विसेज कहाँ गई? नहीं वो नहीं, मैं इधर प्रोविजन से देख रहा था. ओके थैंक यू. कहाँ गया? ये रहा मलाइको. पहले ऐसे बोला करो, लोकेशन ऑफ सच पर्सन बोल के मत रुका करो. पहले ऐसे बोला करो सर, सामने वाला अगर रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन. प्रोविजन ही आधा बोलोगे तो लिखोगे भी आधा, उससे आधा करके आओगे. तो सर अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, और रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो उस केस में सर जहां पर वो गुड्स हैंड ओवर किया जा रहा है सर मेल और कोरियर के थ्रू. अरे बात समझ, थोड़ा ध्यान रखना ना लाइको, आधा आधा मत बोला करो. प्लेस ऑफ सप्लाई में बैंड बच जाएगी अगर आधा आधा बोले तो. अगला, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस इफ अ पर्सन ट्रेवल फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली एंड बैक टू मुंबई? बताओ भाई. जहां से जर्नी स्टार्ट हो रही है, तो जहां से जर्नी मतलब मुंबई, फर्स्ट केस में मुंबई, आके टाइम के लिए दिल्ली, क्योंकि दो अलग अलग करेंगे अपन, याद है ना. व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर मोबाइल कनेक्शन, कैन इट बी द लोकेशन ऑफ द सप्लायर? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन हो जाएगा. अ पर्सन फ्रॉम मुंबई गोज टू कुल्लू मनाली एंड टेक सम सर्विसेज फ्रॉम द आईसीआईसीआई बैंक इन मनाली, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? बैंकिंग सर्विसेज के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? आईसीआईसीआई तो बैंक है ना. बोलो बोलो. बैंकिंग सर्विसेज के केस में क्या होगा बताओ? कहाँ गया यार बैंकिंग सर्विसेज, फिर कहाँ भग गया? ये रहा. अगर बैंकिंग सर्विसेज या फाइनेंशियल स्टॉक ब्रोकिंग वगैरह सर्विसेज है तो सरकार बोलती है लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द सर्विस ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज. लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हमारे क्वेश्चन में क्या है? बताओ भाई. मुंबई की कुल्लू मनाली, पढ़ो इसको, सब पढ़ेंगे सर.
पहले केस के हिसाब से क्या होना चाहिए था, जो वो रिकॉर्ड पे होता, तो रिकॉर्ड पे तो कुछ बताया ही नहीं है। अगर रिकॉर्ड में बताता तो फिर हम क्या बोल देते, मुंबई, क्योंकि वो चला मुंबई से था। बट सर कोई आदमी चल तो कहीं से भी सकता है ना, जब तक रिकॉर्ड में नहीं बताता तब तक आप मुंबई नहीं ले सकते। और अगर सर हम मुंबई नहीं ले सकते तो फिर बात ये होती है सर कि वो सर्विसेज कहाँ प्रोवाइड की गई है, और सर्विसेज कहाँ प्रोवाइड की गई है, कुल्लू मनाली, क्योंकि लोकेशन ऑफ द सप्लायर और सर्विस क्या है, कुल्लू मनाली। ठीक है, थोड़ा ध्यान, थोड़ा ध्यान, ऐसे ब्लैंकली मुंबई मत बोल देना। आपको रिकॉर्ड में कुछ नहीं दिया है, वो पर्सन जा रहा है मुंबई से, जा तो छत्तीसगढ़ वाला आदमी भी मुंबई से कुल्लू मनाली जा सकता है। अरे बात समझ, नहीं तो गलत इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। एन अनरजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम गुरुग्राम ट्रेवल बाय एयर फ्लाइट, एयर इंडिया फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली एंड गेट हिज ट्रेवल इंश्योरेंस डन इन मुंबई। अब बताओ व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज। ठीक है सर, हाँ जी, हाँ ठीक है सर। इस केस में ये अनरजिस्टर्ड है, अगर ये अनरजिस्टर्ड है तो फिर उस केस में क्या होगा, बोलो प्रोविजन क्या है अनरजिस्टर्ड के केस में। सब नालायक हो, एकदम नालायक हो सब। सर अगर अनरजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द सर्विस ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस, तो उस केस में रिकॉर्ड पे क्या दिया हुआ है, रिकॉर्ड के बारे में कहां बोला है, कुछ भी रिकॉर्ड के बारे में नहीं बताया है, तो अब क्या करें। और कोई ऑप्शन है तो बताओ, और कोई ऑप्शन भी नहीं है, समझ आ रही है बात। देखो वैसे देखा जाए तो इंस्टीट्यूट को ये क्वेश्चन में आप देखो तो ये कंटिन्यूएशन पे दिया हुआ है, और अनरजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम गुरुग्राम ट्रेवल्स। अब कोई स्टूडेंट अगर पढ़ा, साथ में पढ़ लिया, तो वो गुरुग्राम ट्रेवल्स साथ में पढ़ लेगा। अनरजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम गुरुग्राम कॉमा ट्रेवल्स बाय एयर इंडिया, क्या खेला है सेंटेंस समझो, दो अलग अलग टाइप की चीजें, बोलने का तरीका समझो। अनरजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम गुरुग्राम ट्रेवल्स, तो मैं तो गुरुग्राम ट्रेवल्स ही बना दिया, और मैंने बोला सर अनरजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम गुरुग्राम कॉमा ट्रेवल्स बाय एयर इंडिया, समझ आ रही है बात। एक कॉमा और एक वर्ड बिना कॉमा के बहुत डिफरेंस कर देता है सेंटेंस पे, बहुत डिफरेंस कर देता है। तो दुआ करना है एग्जाम में प्रॉपर लैंग्वेज पढ़ना, नहीं पढ़ोगे तो थोड़ा सा अटपटा लगना चाहिए आपको कई जगह कि ये कुछ अलग है, अजीब है, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई में आपको समझना होगा। मैं तो चलो समझ भी जाऊंगा, आप लोग कैसे समझोगे, आपकी प्रैक्टिस रहेगी तब समझोगे। इसीलिए प्लेस ऑफ सप्लाई धीरे से पढ़ना, क्वेश्चन कोई भी प्लेस ऑफ सप्लाई का दिखेगा तो। वैसे मैं आपको एक अच्छी चीज बताता हूँ, प्लेस ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन की पहचान ये होती है, जब कभी आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ रहे कि एक पर्सन है जो यहाँ से यहाँ सर्विसेज दे रहा है, यहाँ से यहाँ गुड्स दे रहा है, फिर ये यहाँ का था, लोकेशन यहाँ पर था, इस सेंटेंस से पता चलता है सर कि ये प्लेस ऑफ सप्लाई वाला पॉइंट है। जैसे मैं आपको एक अच्छा, रुको यार, मैं अगर डिलीट नहीं किया हूँगा तो मैं आपको पेपर दिखाता हूँ। शायद डिलीट नहीं किया होगा, यही है क्या, May 24 का पेपर, हाँ यही तो है। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, लास्ट वाला पॉइंट था यार, पूरा गोदा डाल दिया। देखो पहचान होती है कि आपको उस पॉइंट पे प्लेस ऑफ सप्लाई सोचना है। जैसे देखो
It delivered the goods worth 2 lakh to a Jeevan Solution, a registered person located at Bikaner, Rajasthan, on the direction of Raghu Enterprises, a registered person of Mumbai, Maharashtra, and the tax invoice was issued by Evershine Private Limited to Raghu Enterprises of Mumbai. जहां पर भी आपको कभी क्वेश्चन में सामने से अगर लग रहा हो कि ऐसा है कि सर जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, अलग अलग जगहों की बात हो रही है, तो वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई वो आपसे चाहता है वहां, ये तो चलो मैं लिख दिया यहाँ पर बाजू में, बिल टू शिप टू मॉडल है तो ये तो समझ भी आ रहा है, एग्जाम में तो क्वेश्चन में आपको सोचना होगा। इवन MTPs में भी मैंने देखा था बहुत अच्छे क्वेश्चन थे जहां पर इंस्टीट्यूट ने अच्छे से एमटीपी में देखा था और पूछा भी था स्टूडेंट से कि कितने स्टूडेंट को वो बिल टू शिफ्ट टू मॉडल याद भी आता है। रुको मैं आपको दिखाता हूँ, एक दो क्वेश्चन तो मैंने भी देखा था जो इंस्टीट्यूट ने पूछा था, ये तो स्पेशली लगी क्वेश्चन है वहां पर है। जैसे ये वाला पॉइंट है ठीक है, इसमें घुमाया नहीं है बट एग्जाम में घुमा सकता है। कैटरिंग सर्विसेज अवेल फॉर मार्केटिंग इवेंट ऑर्गेनाइज्ड फॉर इस प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, आपको एग्जाम में दे सकता है कि सर इवेंट यहाँ पर हेल्ड हुआ था और इवेंट जो हेल्ड हुआ था उसमें आउटडोर कैटरिंग की सर्विसेज है, तो सर हमने क्या पढ़ा था इवेंट और उसके साथ एंसिलरी सर्विसेज, वो प्लेस ऑफ सप्लाई वही होगा सर, एक तो लोकेशन रजिस्टर्ड पर्सन है, तो नहीं तो सर उस केस में जहां पर इवेंट एक्चुअली हेल्ड हो रहा है, ऐसे पॉइंट दे सकता है और उससे वो चेक कर सकता है कि आपको CGST SGST पता है कि नहीं। सर इंस्टीट्यूट ऐसा किए, बहुत जगह किए, अपन जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें तो बहुत जगह किए। ये पेपर नहीं मिल रहे हैं, नहीं तो और पेपर होता तो मैं आपको दिखाता, कुछ पेपर्स में इंस्टीट्यूट ने ये किया है ठीक है। तो ये हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई तो खत्म हुआ ठीक, इसके बाद टाइम और वैल्यू बचा है, क्लियर ओके ठीक।